गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ हूँ आपका टुक्रेश्वरी देवालय में। ये रहा आपका एंट्री गेट टुक्रेश्वरी देवालय का। हमारे आसाम का ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में है ये टुक्रेश्वरी देवालय, और इसके लिए पूरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा। सेपरेटली आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊंगा मैं। दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं हम बाजेंगोबा। तो हम जाने वाले हैं बाजेंगोबा में, देखते हैं क्या होता है। अभी तक हम आसाम में ही हैं, घर से निकले बहुत टाइम हो गए, बैंक में थोड़ा काम था वहाँ से निकले, अभी बाजेंगोबा जाने के लिए निकल पड़े हैं। फिलहाल तो आसाम के एरिया में है। इस रोड से हम आए हैं, मतलब ये पाइकान से, ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का पाइकान से हम आए हैं। अभी हम आगे तक जाएंगे, आपको आप लोगों को दिखाते हैं ये रोड जो जाते हैं, ये बाजेंगोबा तुरा तक जाता है मेघालय का। फिलहाल हम उतरे हैं एक दुकान के सामने सामान लेने के लिए। तो यहाँ एक चाची बैठा है, दुकान एक छोटा मोटा दुकान है चाची का, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हमारा चाची ये अंदर खड़ा हुआ है, बहुत ही मतलब बुज़ुर्ग है। गाड़ी में चल रहे है, मेरे साथ मेरा एक बड़ा भाई है, आपको दिखाता हूँ। मेरा ये भैया ये मेरे साथ जा रहा है। ये आपको कैसा लग रहा है जाने में? को इस टाइम नहीं तो ये ज़्यादा हिंदी बोल नहीं सकता। तो ठीक है, फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आज दिखाएंगे बाजेंगोबा मेघालय। अभी हम जा रहे हैं बाजेंगोबा, गाड़ी में चढ़ गए हैं, बाइक लेकर के जा रहे हैं। ये देखिए रोड, बहुत बड़ा रोड है यहाँ। ये देखिए लोग यहाँ का, यहाँ जो रहते हैं ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं, तो चलते हैं यहाँ कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे जाके। हम जाते जाते रास्ते में एक जगह रुक गए, हम बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉल खेल रहा है फुटबॉल, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इन लोगों से बात करने की, तो शायद ये लोग भी हिंदी भी नहीं समझते ज़्यादा, आसामीज भी नहीं समझते, तो कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने की। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं क्या होता है। ये कौन बोल सकता है भैया? अरे भैया कोई तो हिंदी बोल सकता है ना? नहीं आप ही बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ब्लॉग बना रहे हैं हम लोग। ये भैया है हमारे, ये एरिया जो है ये पूरा आसाम में है, अभी तक मेघालय नहीं पड़ा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों से बात करने में। तो ठीक है बाबू, आप बोलो ना, बोलो बोलो, आपका आपका नाम क्या है? तो भैया आपका नाम क्या है? मोमिन। अच्छा ठीक है, आप यहाँ के फुटबॉल खेलते हैं या ऐसे बैठे रहते हैं? खेलते हैं। बताओ, शर्माते भैया, मालूम नहीं है ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों में इतना मतलब शर्म कहाँ से आती है पता नहीं। वैसे तो शर्म मुझे भी लगती है, शर्माती हूँ मैं भी हूँ, लेकिन फिर भी ये बच्चे लोग जो है, पहले नया हूँ मैं इस तरफ का भी आया नहीं, तो ये शरारती है बहुत, लेकिन खेलता बहुत अच्छा है। और ये जो है पूरा का पूरा गारो कम्युनिटी का है ना, गारो है या राभा है? गारो। एक अजीब सा देश है हमारा भारत, इसे ऐसे ही महान नहीं कहते। यहाँ बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन, और उसमें कुछ जनजातियाँ है, आदिवासी लोग भी है। तो ये फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आसाम और मेघालय का बॉर्डर एरिया है। और ये जो बच्चे देख रहे हैं आप लोग, ज़्यादातर ये गारो लोग बच्चे हैं, इन लोगों को गारो कहा जाता है यहाँ। इन लोगों का जो कम्युनिटी है ये गारो कहते हैं, और ये फुटबॉल खेलने में बहुत माहिर है। गारो लोग जो होते हैं फुटबॉल खेलने में बहुत माहिर होते हैं, और बाकी लोग जो है वो क्रिकेट वगैरह वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं।
तो मैं आपको दिखाऊंगा एक नज़ारा इस फील्ड का जो ये बच्चे लोगों ने खेल रहा है। तो एक साइड में लगा के मैं आप लोगों को इसके एक नज़ारा दिखाऊंगा। ये जो है ये गोल का, वो गोल कीपर खड़ा हुआ है और इस तरफ बहुत बड़ा फील्ड है यहाँ फुटबॉल खेलने वाला। और यहाँ का जो लोग है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत भी है माशाल्लाह। ये देखिए बहुत खूबसूरत है, एकदम क्यूट बेबी है और हर कोई चाहेगा इसे गोद लेने को। अगर कोई तुम्हें गोद लेना चाहे तो क्या जाओगे? नहीं, नहीं जाओगे? क्यों? हम अपने मम्मी पापा के साथ रहोगे? ये नहीं जाएगा, गोद लेने से भी नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बच्चा है ये और क्यूट भी है। और यहाँ बहुत सारे दोस्त है यहाँ मतलब खेल रहे, तो फिलहाल यहाँ से चलना पड़ेगा। ये बच्चा जो है ये बोल रहा है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन ये शर्मा रहा है अभी। बोलो ना बाबू, इस तरफ देखो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको मारेगा थोड़ी। बोलो 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 बोलो, नहीं बोलेगा। पैसा नहीं लगता हाथ में? पैसा लगता है क्या बाबू? चलो तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आप लोगों को आज दिखाएंगे बजिंग डुबा, होम टू बजिंग डुबा जर्नी। आप लोग देखिए रास्ते में क्या क्या होता है और क्या क्या आप लोगों को दिखाता हूँ और क्या क्या है यहाँ। आप सभी लोग बने रहिए, स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। मेघालय का बॉर्डर एरिया है तो हम बॉर्डर पे आ चुके हैं। यहाँ एक छोटा मोटा बाजार है, एक छोटी सी बाजार है, यहाँ लोग मतलब खरीदारी कर रहे हैं। बाजार से होकर आए हैं, फिलहाल हम आगे जाने वाले हैं। रास्ते में ही है, अभी तक पहुँचा नहीं, तो हम आप लोगों को एक नज़ारा दिखाएंगे यहाँ का। हमारे जो मेघालय का है स्टेट है मतलब नॉर्थ ईस्ट का, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। तो हम आप लोगों को एक नज़ारा दिखाएंगे हमारे यहाँ मेघालय में किस तरह दिखता है नीचे से ऊपर तक, मतलब यहाँ जो पहाड़ है दिखने में कैसा लगता है। हम आप सभी को ये दिखाएंगे, आप लोग ज़रा देखिए। ये जो नज़ारा है ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता हमारे मतलब आसाम में, ये प्लेन एरिया ज़्यादातर है। तो ये देखिए इस तरह का नज़ारा है, पहाड़ी इलाका है पूरा एकदम। आगे भैया खड़ा है तो हम इनके साथ फिर से गाड़ी में बैठेंगे और चलते पड़ेंगे। ये एक बाजार है यहाँ मेघालय का, देखते हैं कौन से बाजार है। बाजिंग डोबा, आखिरकार हम बाजिंग डोबा आ गए, तो देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा होता है, आप सभी को दिखाएंगे। अभी हम भैया के साथ यहाँ घूमेंगे, भैया लेके आए हैं यहाँ, तो देखते हैं भैया हमको क्या क्या दिखाता है और क्या क्या खिलाता है मेघालय का। और हम यहाँ का बारे में जानते नहीं ज़्यादा, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो परंपरा है वो अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ का जो खाना है मतलब ट्रेडिशनल, वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है। और जो भी खाएंगे हम आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम एक नया गली में समाए हैं बाजिंग डोबा का, तो भैया जी का पहचान के एक बहन जी है, तो उनके साथ हम यहाँ चाय पीने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं मेघालय की इस बाज़ार में क्या क्या मिलता है खाने के लिए, आसाम के जैसा कुछ और। तो
हमारे भैया जी को पूरा प्यास लगी है, बहुत दूर से आए हुए हैं, ये फिलहाल पानी पी रहा है। अभी क्या क्या खाएंगे हमको पता नहीं, देखते जाइए क्या क्या खाते हैं ये। शायद ये पराठा है मेघालय का। सब्जी में क्या क्या लगा है ये देखिए, सिर्फ आलू का भजिया, कैसा लगता है भैया ये पराठा में मेघालय का? अच्छा लगा। अच्छा दीदी आपको कैसा लग रहा है? आप तो यहाँ का निवासी है, यहाँ तक यहाँ का तो लोकल है आप। हाँ अभी हो गया खाना यहाँ, यहाँ भैया और बहन जी बैठे हैं, पंखा घुमा रहे हैं भैया। अच्छा ठीक है जो भी है, यहाँ का बिल भी पे हो गया, पैसा भी उतना नहीं है, मतलब जितना समझता था कि यहाँ कीमत थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन कीमत उतना ज़्यादा है नहीं। तो अभी बाहर निकले हैं हम लोग, गर्मी बहुत है। फिलहाल हम पैदल चल रहे हैं इस मैडम के साथ, हमें कहीं लेके जाने वाला है, मतलब कुछ देखने वाला चीज ये हमको दिखाएंगे और हमारे साथ साथ आपको भी दिखाएंगे ये मैडम। तो मालूम नहीं कहाँ लेके जाएगा, या मारेगा या काटेगा पता नहीं, तो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं ये मैडम हमको। मैडम थोड़ा हाई तो बोलिए भाइयों को, नहीं शर्मा रहे हैं भैया। ठीक है कोई बात नहीं, हम आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का जो मतलब जियोग्राफिकल जो एरिया है वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, मतलब दिखने में कैसा लगता है। रास्ता में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, आगे देखिए, ये देखिए पूरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के ऊपर मोबाइल का टावर लगा हुआ है। हम पैदल चल रहे हैं, तो यहाँ देखने को बहुत कुछ है। फिलहाल हमारे हाथ में टाइम ज़्यादा नहीं है, अब वापस जाना पड़ेगा घर में, तो हम कोशिश करेंगे जितना भी है यहाँ आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे जो भी है। तो देखिए ये प्रायः रोड जो है ये पूरा का पूरा रोड पक्का रोड, ये जाता है आपका तुरा में, ये तुरा में जाएगा पूरा, और इस तरफ आगे मतलब कुछ खेत है पहाड़ है ये हम आप लोगों को दिखाएंगे, तो बने रहिए। देखिए बहुत सारे लोग जो है मतलब यहाँ काम कर रहे हैं देखा रास्ते में आते वक्त। और यहाँ का एक ख़ास बात क्या है आप लोगों को शायद पता नहीं, ये जो पूरा मेघालय है ये क्या होता है, मतलब यहाँ जो पावर है मतलब ज़्यादातर मेनली ये लोग औरत के ऊपर है, मतलब इसका फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल मतलब घर का जो मतलब गार्जियन होता है वो मुखिया जो होता है यहाँ का औरत लोग होता है, और यहाँ औरतों को ज़्यादातर मतलब महत्व दिया जाता है। यहाँ मर्दों का कुछ भी नहीं है, मर्द वाला जो बात है वो बाहरी मतलब अलग अलग स्टेट में है, लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में एक स्टेट है मेघालय, यहाँ मर्द जो होता है यहाँ सभी के सभी नामर्द होता है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। सही है मेघालय में मर्द का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ काम भी करते हैं औरत लोग ज़्यादा, और पैसा का मामला जो आता है तो पूरा का पूरा पैसा रहता है आपका औरत के हाथ में, मतलब लड़की के हाथ में। तो आप लोगों को दिखाएंगे एक छोटा सा झरना, यहाँ मैं जो खड़ा हुआ हूँ यहाँ एक झरना है, देखिए इस तरफ ये जो दिख रहा है आपको इस तरफ ये एक झरना है, तो देखते हैं ये झरना में पानी कहाँ से आते हैं। मेघालय का झरना यहाँ से मतलब बहुत बहुत बड़ा बड़ा झरना है, लेकिन फ़िलहाल हम उतना दूर जा नहीं सकते, आज के लिए इतना ही मतलब आ सकते, तो यही कि इसी के अंदर जो भी है हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ एक बड़े भैया है, यहाँ ये बड़े भैया नहा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। यहाँ ये जो लोग हैं ज़्यादातर हिंदी भी नहीं समझते, हमारे असम का जो लोकल लैंग्वेज है असामी वो भी नहीं समझते, तो हम कोशिश करेंगे कि इनके भाषा तो हम भी नहीं जानते भैया, हम तो ये है, तो फिलहाल हिंदी से ही कोशिश करेंगे कि ये हिंदी बोल सकते हैं या नहीं,
चलिए बात करते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है भैया? गिदियन। गिदियन, बहुत अच्छा नाम है। तो हम आपसे आपके यहाँ आए हैं पहले बार, तो आप हमें कुछ बताएंगे आपके इस इलाके के बारे में, कुछ बताएंगे हमें? मतलब बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग देखेंगे आपको, तो बताइए ज़रा, यहाँ जो ये जो पानी है, ये तो सिर्फ नहाने के लिए आते हैं या खाने के लिए या पीने के, मतलब क्या क्या करते हैं इस पानी से? गायों में, हाँ, आप लोगों का जो गांव है, यहाँ का जो लोग है, ये लोग जो है, ये इस पानी से, ये जो पानी है, ये पानी है, ये सिर्फ नहाते हैं या कुछ और भी करते हैं, मतलब खाते भी हैं? ये पानी खाया जाता है, पीते क्या है, पीते हैं क्या ये पानी? हाँ, पीते भी हैं, सब करता है। तो ज़रा मेरे दोस्तों को बताइए कि ये क्या क्या करता है, ज़रा बताइए। दोस्तों ये हिंदी नहीं समझते, असमझ भी नहीं समझते, तो ये गारों में जो भी बताएगा, गारों में बताएगा, ये तो मेरे पल्ला नहीं पड़ने वाला, शायद आपको पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा तो भी मतलब नहीं, लोकल लैंग्वेज है, नो प्रॉब्लम, इट जस्ट ए ब्लॉग, इट्स नॉट ए फिल्म। आई डोंट हैव एनी कंसर्न, आई एम टेकिंग पिक्चर, टेकिंग पिक्चर, आई एम टेकिंग पिक्चर, आई कैन। Would you like to tell something about your village to India? Bhaiya, would you like to tell something about your village? I think he can't understand my language. No problem. You can see the main source of this water. मैं आप लोगों को इस पानी का, मतलब जो आने वाला जो मेन सोर्स है, उसको हम दिखाएंगे, आप बने रहिए। मैं आप के बहुत तो हाय बोल दीजिए मेरे दोस्तों को, हाय। ठीक है, आप लोगों को दिखाएंगे इसका मेन सोर्स जो है, ये आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ से ये पानी आ रहा है। यह है जो पानी के लिए आ रहा है, नहा शायद नहाएंगे, देखते हैं भैया के साथ क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या है भैया के साथ। भैया के साथ ये तौलिया है, ये पैंट है, नहाएगा नहाएगा ना भैया, नहाएगा नहाएगा पूरा, नहाएगा पूरा एकदम एकदम। अब क्या है, गारो है या क्या है? गारो गारो, हाँ। खांसी नहीं है, यहाँ खांसी लोग नहीं रहते, यहाँ पे खांसी नहीं है, खांसी नहीं है, सिर्फ गारो ही रहता है। ये कौन सा वाला ये डिस्ट्रिक्ट है? नॉर्थ गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स। अच्छा ठीक है, ये भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जो भैया है बहुत क्यूट भैया है, एकदम बराबर देखिए ना, एकदम एकदम मस्त है भैया। देखिए मुझसे बहुत लंबा है या मैं नीचे हूँ भैया? नीचे है आप? मैं नीचे हूँ। अच्छा ठीक है, बराबर होते हैं। ये देखिए भैया, हम यहाँ पहली बार आए हैं, एक भैया नीचे मतलब नहा रहे हैं और एक भैया आ रहे हैं नहाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से यहाँ के लोगों से मिल के, बाज़ार भी गए हुए थे, तो फिलहाल चलते हैं पानी की तरफ, क्या दिखाता है भैया। मेरे साथ चलेंगे तरह है, दो मिनट के लिए, कोई बात नहीं। ठीक है सर, इतने दूर से आए हैं हम, आसाम से आए हैं आप लोगों की यहाँ वीडियो बनाने के लिए, एक ब्लॉग बनाने के लिए, चलेंगे ना? चलेंगे। ठीक है, शुक्रिया भैया। जो है हमें लेके जा रहा है पानी की उस मेन सोर्स की तरफ, जो भैया नहाने के लिए आ रहे थे, मैं उनको रोक दिया, मतलब मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताने के लिए। ये देखिए ये जो पानी है यहाँ जमा हो रहा है, ये पानी आ रहा है कहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये पानी आ रहा है इस पत्थर के बीच से, इस पत्थर के बीचों बीच एक सुरंग की तरह है, आपको दिखाते हैं ये पानी। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से पानी पहाड़ से निकलता है। देखिए पानी, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ नदियाँ है, बहुत सारी बारिश हुई है। ये देखिए सरकार की तरफ से, भैया ये सरकार की तरफ से किया हुआ है ना, सरकार ने बनाया है ये, आपका यहाँ का जो सरकार है, मतलब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है आप लोगों के लिए। हाँ, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है ना लोगों के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो आप अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद कहते हैं उसको, जैसे कि हम लोग का इधर में तो पानी की थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा था,
क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं बना था, अभी बना के दिया है, थोड़ा हम लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छा हो गया नहाने के लिए। हाँ हाँ, तो इधर इधर में आप तो मेघालय सरकार को थैंक्स कहना चाहेंगे ना? हाँ, तो आप जरा बोलिए, मेघालय सरकार भी देखेगा आपको कि आपने सरकार को थैंक्स किया है, उनको धन्यवाद किया है, तो आप जरा बताएंगे, जरा थैंक्स बताइए कैमरे के सामने देख के। गारो से बात करें? हाँ, आप गारो से बात कीजिए, क्योंकि मेघालय सरकार जो है वो तो गारो लोग ही है ना, तो आप गारो से ही बात कीजिए, कोई बात नहीं। तो ये ब्लॉक में गीता है नमगप्पा चीरम को मामूंगा नमानी रंग दूंगा और सिंगा वहाँ चीज़ें थारी सिंगा खाना करता ना आचम आउना करता ना आचम सिंगा ब्लॉग में मंद गाने वाचम लेकिन आओ सिंगा लेकिन हम ना स्कीम ना फोन ने सिंगा थारी हाने ना सिंगा ब्लॉक में और मेघालय ने स्टेट में लिंग पास इनमें से थोड़ा के संभव होगा मिथिला। थैंक यू। यानी जो भी बोला मेरे को कोई पल्ले नहीं पड़ा, सरकार को बोला है मेघालय का, तो मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि जो अच्छा करते हैं उसको अच्छा ही कहते हैं, मतलब मेघालय सरकार ने मेघालय के लिए, मेघालय के लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, इसीलिए आज देखिए भैया अपने शायद दिल से मुझे समझ नहीं आया, सरकार को समझ में आएंगे क्योंकि वो लोग इनके भाषा समझते हैं, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, नहीं तो ये लोग इतने अच्छे नहीं बोलते, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो भैया आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई, तो फिलहाल चलते हैं, आप नहा लीजिए। अच्छा, और सभी मेरे सभी दोस्तों को हाय बोल दीजिए। हाय बोलिए। और इनके लिए सभी लोग दुआ कीजिएगा कि ये भैया जो है थोड़ा मतलब बहुत इसका जो गोश्त है वो थोड़ा बढ़ जाए, तो फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। से बहुत कुछ बनाते हैं, जो आपका लकड़ी का होता है, कुछ बांस का भी होता है। फिलहाल आपको दिखाएंगे यहाँ के लोग कितना कष्ट करते हैं। यहाँ के लोग जो है बहुत कष्ट करते हैं, देखिए छोटा छोटा बच्चा पहाड़ के ऊपर से क्या लकड़ी लेके आ रहे हैं। कुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, नया नया कुआ है, देखते हैं किस कुआ में क्या है, पानी है कि नहीं। हाँ ये तो खराब हो गया है ना, आपने हाथ लगाया, पीने वाला है, पानी पीने के लिए है, फिलहाल यहाँ रखिए और कैमरे में अपने भैया के हाथ में दे देता हूँ, देखते हैं। बहन जी ने संतरा तोड़ा है, देखिए ये संतरा बहन जी के हाथ में, थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा, ये देखिए संतरा का पेड़, पहले कभी नहीं देखा था संतरा लगते हुए, यहाँ बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है, जिंदगी में पहली बार देखा मैंने संतरा का पेड़, अरे वो भी लगा हुआ। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से, हम घर ने घर के लिए रवाना हो जाएंगे, तो पहाड़ के ऊपर गए थे हम लोग, तो अभी नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे, मैं आगे हूँ, बीच में मैडम है और पीछे भैया जी हैं, तो आज उतना खास कुछ दिखा नहीं पाए आप लोग, उसके लिए सॉरी। तो हम कोशिश करेंगे अगली बार इस बाजिंग डोबा के एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तब बहुत अच्छी तरह से सभी सब कुछ सब लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिलहाल के लिए हम छोड़ते हैं। जय हिंद जय भारत। जोरों से बारिश आने वाले है, ये देखिए यहाँ कितना बादल छाया हुआ है, तो हम अभी तो घर के लिए चल पड़े, रास्ते में आ गए एक दुकान में चाय पीने के लिए, एक ढाबा है हाईवे किचन, और यहाँ एक छोटा मोटा दुकान है, हम इस दुकान में जाने वाले है, इस दुकान में हम जाएंगे चाय पीने के लिए, तो फिलहाल के लिए चाय पी लेते हैं थोड़ा। और यहाँ एक नया चीज़ देखने को मिला, ये जो है ये देखने को मिला, ये केले का चिप्स,
शायद ये लोकल प्रोडक्शन है यहाँ का, यहाँ में लोकल बनाते हैं ना आप। इसमें क्या क्या डालते हैं, चीनी या नमक डालते हैं? नमक डालते हैं। ये प्लेन साल्टेड है, इसको एक तोड़ दिया मैंने, खा लो पहले, पैसे बाद में देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये नीचे बैठ के केले का चिप्स खा रहे हैं और साथ में चाय पी रहे हैं, तो आज हम खाएंगे इस केले का चिप्स, देखते हैं कैसे लगते हैं। पूरा अंधेरा है इस घर में भैया, एकदम पूरा अंधेरा है। ये देखिए अंडा बेचने वाले हैं ये लोग, ये चिप्स वगैरह है, और मैं उस दुकान से लेके आए हैं ये केले का चिप्स। देखते हैं इस केले का चिप्स में क्या टेस्ट आता है, ज़िंदगी में पहली बार खाने वाला हूँ।